नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत सिंह और एसपीआर लैब लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि 1 सितंबर से मोदी सरकार बहुत बड़े बदलाव करने वाली है। जी हां दोस्तों, पर मैं जानता हूं कि आपको नहीं पता है, इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको उन 4 बदलावों के बारे में बताने वाला हूं जो कि 1 सितंबर के बाद होने वाले हैं। तो चलिए ब्रेक टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, बात करें पहले बदलाव की, तो ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर आप फोन पर बात करते वक्त गाड़ी चलाते हैं या फिर नशा करते वक्त गाड़ी चलाते हैं तो इसका आपको जुर्माना भरना पड़ता है। पर 1 सितंबर के बाद ऐसा नहीं होगा। जी हां दोस्तों, खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि 1 सितंबर के बाद अगर आप ऐसा करते पाए जाते हैं तो आपको इसका जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा, इसी के साथ आपका लाइसेंस रद्द भी हो सकता है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सच सुन रहे हैं, ऐसा 1 सितंबर के बाद होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे बड़े बदलाव की। तो दोस्तों, आपको बता दूं, 1 सितंबर से SBI में होम लोन्स की दरें घटने वाली हैं, जिसके बाद होम लोन की दरें 8.2 की हो जाएंगी और 0.20% इंटरेस्ट की गिरावट आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं तीसरे बड़े बदलाव की। तो दोस्तों, आपको बता दूं, जिन लोगों ने टैक्स छुपाकर रखा हुआ है उनके लिए 1 सितंबर से एक स्कीम जारी की जाएगी जो कि 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक रहेगी। और इस स्कीम के जरिए जिन लोगों ने अपना टैक्स छुपाकर रखा हुआ है वो उसे खुद ही फिल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चौथे बड़े बदलाव की। तो दोस्तों, 1 सितंबर से वाहनों पर एक और बड़ा नियम लागू होने वाला है। जी हां दोस्तों, यदि आपका वाहन 1 सितंबर के बाद किसी बाढ़ या फिर किसी बड़ी आपदा में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो इसके लिए आपको अपने वाहन पर ज्यादा बीमा मिलेगा। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों ये 4 बदलाव होने वाले हैं 1 सितंबर के बाद। तो कैसी लगी आपको ये नई जानकारी? और ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।